हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है, फ्रेंचाइजी का एक्चुअल में क्या उसकी मीनिंग होती है। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लिया आपने कोई अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है किसी भी शहर में, एज एग्जांपल मैं दिल्ली की बात कर लेता हूँ, तो वो दिल्ली में आपने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया जो फूड रिलेटेड भी हो सकता है, फैशन रिलेटेड भी हो सकता है, क्लॉथिंग हो गया, किसी भी चीज़ का रिलेटेड हो सकता है। तो वहाँ पर अपना प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया और कुछ ही समय बाद उस प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी अच्छे फीडबैक आपको मिलते हैं, और जो दिल्ली में दूसरे अदर स्टेट से सिटीज़ से लोग विजिट करते हैं वो आपके आउटलेट पे आके वहाँ से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और अपने शहर लौट जाते हैं, अपने अपने राज्य लौट जाते हैं। वहाँ पे जाके उस प्रोडक्ट को वो यूज़ करते हैं, दूसरे उस प्रोडक्ट को देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसकी तारीफ़ करते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ प्रेजेंट जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इस सिटी में इसका ब्रांड का शोरूम है या आउटलेट है, तो वो लोग कहते हैं नहीं इसका आउटलेट नहीं। तो वो फीडबैक आपके तक पहुँचता है जब, तो आप भी सोचते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो दूसरे राज्यों में दूसरे शहरों तक भी पहुँचे। तो इस तरह शुरुआत होती है फ्रेंचाइजी की, यहाँ पर जो जिस शहर में आपके प्रोडक्ट नहीं पहुँच पा रहे होते हैं, जहाँ पर आपका ब्रांड स्टोर नहीं होता है, तो वहाँ के लोग आपसे संपर्क करते हैं और आपसे डिमांड करते हैं कि जो आपका ब्रांड नेम है, जो आपकी प्रोडक्ट है, उसके बारे में डिटेल आप हमको दें, आप शेयर करें, अपना ब्रांड लोगो हमको दें, हम आपके नाम से यहाँ पे आउटलेट ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो असल मालिक होता है वो आपको अपने सीक्रेट, अपने नियम कानून के हिसाब से ब्रांड लोगो और कुछ पैसे लेके आपसे, यानी कि जो फ्रेंचाइजी के अमाउंट होता है वो आपसे लेके वो अपना ब्रांड लोगो, अपना प्रोडक्ट की सारी सीक्रेट डिटेल, और साथ ही साथ कुछ जो ब्रांड वाले होते हैं जैसे फूड वाले होते हैं वो आपको बाकायदा ट्रेनिंग भी देते हैं कैसे फूड प्रोडक्ट या आपको तैयार करना, रेसिपी इसकी क्या होगी। तो इसके बाद जो आप जो ब्रांड जो सक्सेसफुल होती है उसको आप अपने प्लेस पे, यानी कि अपनी सिटी में, अपने स्टेट में, अपने राज्य में उसका स्टार्टअप कर यानी स्टार्ट करते हैं और वही चीज़ आपकी फ्रेंचाइजी कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड फेमस फ्रेंचाइजी के नाम आपको मैं यहाँ पे गिना दूँ, सबसे पहले नंबर पर आता है यहाँ पे KFC जो कि मेन अमरीका की कंपनी है, उसके आजकल पूरे विश्व में इसके आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे। मैकडी की बात करूँ, मैकडी के भी आउटलेट पूरे विश्व में आपको मिल जाएंगे, सबवे का आप देख लिए, और इसके साथ साथ बर्गर किंग भाई आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है जिनका यहाँ पे फ्रेंचाइजी देके पूरे दुनिया में इन्होंने अपनी बिजनेस को यहाँ पे फैला दिया है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में गोली वड़ा पाव है, वाओ मोमोज है, ऐसे कई सारे यहाँ पे स्टार्टअप आए थे जिन्होंने अपने फ्रेंचाइजी दे के अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करोड़ों के टर्नओवर पर ला दिया है। तो ऐसे ही आप फ्रेंचाइजी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी के बिजनेस में एक फ़ायदा ये आपको रहता है, अगर आप कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो उसको एस्टेब्लिश होने में, उसको पॉपुलर होने में थोड़ा समय लगता है, मगर किसी सक्सेसफुल ब्रांड का यहाँ पे फ्रेंचाइजी आप लेके आउटलेट ओपन करते हैं तो उसको फर्स्ट डे या सेकंड डे से ही आपको यहाँ पे उसका फ़ायदा दिखने लगता है। तो बात कर लेते हैं इसमें कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ता है फ्रेंचाइजी के लिए। तो दोस्तों, फ्रेंचाइजीज़ की बात कर लें कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है, तो नॉर्मल जो स्टार्टिंग इसकी होती है फ्रेंचाइजीज़ की, कोई भी ब्रांड होती है, तो 1 लाख मिनिमम स्टार्टिंग होती है, जो कि आपकी 10 से 15-20 लाख तक भी जा सकती है। और अगर अच्छा ब्रांड होता है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड होता है, यानी कि काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स के होते हैं, तो 20 लाख के ऊपर भी आपकी फ्रेंचाइजी रेट जा सकता है, मगर वो प्रोडक्ट आपके डिपेंड करता है। अगर फूड रिलेटेड आप किसी भी फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं तो मात्र इसमें आप 50,000 से 1 लाख के बीच में भी आपको मिल सकती है, और बहुत से बहुत आपको 1.5 लाख के अंदर मिल जाती है। बाकी प्रोडक्ट अगर आप जिस कंपनी में फ्रेंचाइज लेने जाते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर उनसे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, वहां से आप उनके फ्रेंचाइजी लेके आप उस बिजनेस को, उनके ब्रांड को लेके अपना यहां पे स्टोर ओपन करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंचाइजी का मतलब, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।